ओथ इज यूजलेस फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, अर्थात एक ईमानदार आदमी के लिए कसम खाने की क्या जरूरत है, उसे कसम की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदार आदमी के लिए उसके तो शब्द ही एक शपथ है, एक वायदा है, एक कसम है। एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैंने शब्द लिया है वो है हिंदी का शब्द बंद, बंद। अंग्रेजी क्लोज्ड, कई अंग्रेजी हैं लेकिन पहली अंग्रेजी क्लोज्ड है, CLOSED। क्रिया होती है क्लोज और उत्कार होता है बंद करना। मैंने लिखा है नीचे टू क्लोज, बंद करना, और क्लोज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, क्लोज्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अब यदि हमें कहना है बंद, तो जैसे कमरा बंद है, द रूम इज क्लोज्ड, दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड, अकाउंट इज क्लोज्ड, खाता बंद है, आइज आर क्लोज्ड, आंखें बंद हैं, माउथ इज क्लोज्ड, मुंह बंद है, डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा बंद है। बैग, जैसे बैग होता है इसके लिए भी क्लोज आता है, बैग इज क्लोज्ड, रजिस्टर इज क्लोज्ड, विंडो इज क्लोज्ड, ऑफिस इज क्लोज्ड। या बंद करना, क्लोज द बैग, क्लोज द रूम, क्लोज द शॉप, क्लोज द अकाउंट, क्लोज द आईज, क्लोज द माउथ, क्लोज द डोर, क्लोज द रजिस्टर, क्लोज द विंडो, क्लोज द ऑफिस, इस तरीके से बंद करने के लिए आ जाएगा। और बंद में ईडी लग जाएगा, ये ईडी क्या डी लगेगा केवल। आज रविवार है इसलिए दुकानें बंद हैं, आज रविवार है इसलिए दुकानें बंद है। इट इज संडे टुडे, ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज संडे टुडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड, सो द शॉप्स आर क्लोज, सो माने इसलिए। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है इसलिए दुकानें बंद हैं, द शॉप्स आर क्लोज। स्टॉप, स्टॉप माने ये मैंने शब्द बीच में ले लिया है, स्टॉप, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। दिल की धड़कन बंद होने के लिए कौन सा शब्द आएगा, इसीलिए इसको मैंने बीच में ले लिया है ज्यादा ध्यान देने के लिए। His heart beat stopped, उसके दिल की धड़कन रुक गई। His heart beat, धड़कन, बीट माने धड़कन, हार्ट बीट दिल की धड़कन स्टॉप्ड, रुक गई। यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है, ये मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। फॉर यू, तुम्हारे लिए, दिस डोर, यह दरवाजा, इज क्लोज्ड, बंद हो गया है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। लॉक्ड अप, बंद, लॉक्ड अप, लॉक अप करना, दरअसल लॉक करना, ताला लगाने की अंग्रेजी है लॉक, और ताले की भी यही अंग्रेजी है। द थीफ इज लॉक्ड अप इन द रूम, लोगों ने चोर को कमरे में बंद कर लिया है, द थीफ इज लॉक्ड अप, बंद कर लिया है, इन द रूम, कमरे में बंद कर दिया है, चोर को पकड़ लिया, बंद कर दिया, लेकिन यहां पर हिंदी होगी, चोर को कमरे में बंद कर दिया है, द थीफ इज लॉक्ड अप इन द रूम। द क्रिमिनल, क्रिमिनल माने अपराधी, क्रिमिनल इज इन द लॉकअप, बंद है हवालात में, द क्रिमिनल इज इन द लॉकअप, अपराधी हवालात में बंद है। शट, SHUT, शट माने भी बंद होना है, बंद करना है। द डोर विल नॉट शट, दरवाजा बंद नहीं होगा। शट अप, मुंह बंद करो, शट अप, चुप हो जाओ, मुंह बंद करो।
ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड माने भी बंद लगना है, बंद होना है। द रोड इज ब्लॉक्ड, सड़क बंद है। द ड्रेन इज ब्लॉक्ड, नाली बंद है। कारों ने रास्ता जाम कर दिया है, बंद दिया है। द कार्स, द मोटर कार्स भी कह सकते हैं, मोटर कारों ने बंद कर दिया है रास्ता। द मोटर कार्स ब्लॉक्ड अप द वे, वे माने रास्ता, ब्लॉक्ड अप माने बंद कर दिया है। द मोटर कार्स ब्लॉक्ड अप द वे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। सील लगाकर लिफाफा बंद करो, सील लगाकर लिफाफा बंद करो। सील द एनवेलप, सील द एनवेलप, ये इसकी अंग्रेजी होगी। बंद गली जो आगे से कहीं नहीं खुलती है, बंद हो जाती है, बंद गली कहलाती है, जिसकी अंग्रेजी होती है ब्लाइंड एली, ए डबल एल ई वाई, एली, बंद गली। बंद गोभी को तो सब जानते हैं, सब्जी है, लेकिन मैंने इसकी भी अंग्रेजी लिख दी। बंद शब्द इसमें भी आ रहा है, सी ए डबल बी ए जी ई, कैबेज, कैबेज माने बंद गोभी। बातें बंद करो, टीचर लड़कों से कहते हैं बातें बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो। लड़ाई बंद हो गई है, लड़ाई बंद हो गई है, फाइटिंग हैज स्टॉप्ड, यहां पर स्टॉप शब्द का प्रयोग होगा लड़ाई के लिए। स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो, बातों के लिए भी स्टॉप शब्द, बंद करने के लिए, बातें बंद करने के लिए। बिजली बंद करो, इसके लिए दो शब्द आ सकते हैं, एक तो पुट और दूसरा स्विच। पुट ऑफ, ओ डबल एफ आएगा, ओ डबल एफ, पुट ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, कोई सा भी लगा दो। तो लाइट बंद करो, बिजली बंद करो। नल बंद करो, नल बंद करो, आप जानते हैं टंकी के लिए कहते हैं। टर्न ऑफ शब्द का प्रयोग होगा इसके लिए, ओ डबल एफ, टर्न टी यू आर एन, टर्न ऑफ द टैप, टंकी बंद करो, नल बंद करो। द पुलिस पुट द थीफ, इसकी स्पेलिंग है टी एच आई ई एफ, थीफ, बिहाइंड द बार्स। द पुलिस पुट द थीफ, पुलिस ने चोर को बंद कर दिया है, हवालात में बंद कर दिया है। अब देखें, मेरा सामान कमरे में बंद है, माई गुड्स आर लॉक्ड अप इन द रूम, मेरा सामान कमरे में बंद है भाई, माई गुड्स आर लॉक्ड अप इन द रूम। अब एक और शब्द लिया है मैंने, जाम लगना, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, जाम, जाम लगना, जैम जो कहते हैं इसको अंग्रेजी में, जे ए डबल एम ई डी। मशीन जाम हो गई है, मशीन जाम हो गई है, पुरानी हो गई, बहुत दिनों से इसका यूज नहीं हुआ तो जाम हो गई। द मशीन वाज जैम्ड, मशीन जाम हो गई, ये विशेष शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। रास्ता जाम हो जाता है, द पाथ इज जैम्ड, रास्ता जाम हो जाता है। अब देखें, देयर आर ऑलवेज ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड, रोड पर हमेशा ही ट्रैफिक जाम रहता है, अर्थात यहां तो जब देखो जाम लगा रहता है, ये है इसकी हिंदी, जब देखो सड़क पर जाम ही लगा रहता है। इसीलिए ऑफिस जाने में देर होती है, कहीं भी जाने में देर होती है, इसी जाम की वजह से। तो आजकल भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है कि जगह जगह आप देख ले जाम लगे रहते हैं, तो मैं इसी की अंग्रेजी बना दी। देयर आर ऑलवेज ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड, हमेशा सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। जैम, जैम उसको भी कहते हैं जो हम खाते हैं, जैम,
जो ब्रेड पर लगा के खाते हैं, मीठा होता है, फ्रूट जैम, फलों का जैम, मुरब्बा भी कह सकते हैं इसको, जैम, जे ए एम ही इसकी स्पेलिंग होती है। टू अप्लाई फ्रूट जैम ऑन द टोस्ट, टोस्ट पर फ्रूट जैम लगाना यानी मुरब्बा लगाना, फलों का जैम लगाना, फलों का मुरब्बा लगाना। टू अप्लाई, अप्लाई माने लगाना, फ्रूट जैम ऑन द टोस्ट, टोस्ट पर लगाना। जामन, ये नई अंग्रेजी आपको, शायद ये कहीं ना मिले आपको, क्योंकि ये वो जामन शब्द लिया है मैंने, खाने वाली जामन नहीं, जो जब हमें दही जमाना होता है तो हम जो जामन डालते हैं दूध में दही जमाने के लिए, उसकी अंग्रेजी देखें आज आप। जामन, कर्लिंग एलिमेंट, कर्लिंग एलिमेंट, सी यू आर डी एल आई एन जी, एलिमेंट, ई एल ई एम ई एन टी, दूध में जामन लगाना, दूध में जामन लगा दो जिससे कि दही बन जाए सुबेरे तक। टू मिक्स कर्लिंग एलिमेंट इन द मिल्क, टू मिक्स कर्लिंग एलिमेंट इन द मिल्क। तो ये दही जम गया है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द मिल्क हैज कर्ल्ड, सी यू आर डी एल ई डी, कर्ल्ड, द मिल्क हैज कर्ल्ड, अर्थात दूध का दही बन गया है, दही जम गया है, ये इसकी हिंदी हुई। तो आज का शब्द ये कैसा लगा आपको बंद? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।